इस क्लिप में हम कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। कलेक्शन क्या है? कलेक्शन जो है हम मैक्सिमम हम दो तरीके से क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट कलेक्शन और थ्योरी बेस्ड कलेक्शन। सबसे पहले आते हैं क्या कलेक्शन, हम ये इस पर बात करेंगे कलेक्शन क्या है। कलेक्शन लॉजिकल जो है ग्रुपिंग ऑफ कंप्यूटर या यूज़र है। जब आप SCCM के कंसोल को खोलें, SCCM कंप्लायंस को क्लिक किए करें, तो आपको यहाँ पर यूज़र और डिवाइसेस जो है वो लिस्ट होंगे। जितने भी हमारे यूज़र होंगे वो इस यूज़र के कंटेनर में आएंगे, और जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं वो हमारे डिवाइसेस के कंटेनर में आएंगे। तो हम जो है, और अगर आपने मैनेज करना है तो आपने इंडिविजुअल सर्वर पर, इंडिविजुअल कंप्यूटर पर जाकर उसको मैनेज करना है। अगर कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना है तो फिर इंडिविजुअली आप जाएंगे और डिप्लॉय करेंगे सॉफ्टवेयर, क्लाइंट को इंस्टॉल करेंगे, या कुछ भी जो जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है आप करना चाहें। इसी तरह यूज़र पे भी अगर आप राइट क्लिक करें तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे। हम चाहते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट में एक यूनिफॉर्मिटी पैदा करें, एक यूनिफॉर्म जो है एक कोई कंटेनर क्रिएट करें जो कि हमारे एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यूज़र हैं उसको हम ग्रुप कर लें और उसकी अपनी कलेक्शन बना लें, और जो डिवाइसेस हैं उसको हम ग्रुप कर लें और उसकी अपनी कलेक्शन बना लें। और एक एग्जांपल जो है मैं दे सकता हूँ वो ये है कि लेट्स सपोज आपके आपके ऑफिस में कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, IT का डिपार्टमेंट हो गया। तो हर हर डिपार्टमेंट की अपनी एक सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, हर और वो अपने डिप्लॉय करना होता है इसके ऊपर। अगर इसी तरह लेट्स सपोज अगर आपके पास आपके एनवायरनमेंट में मिक्स कंप्यूटर हैं, जैसे कि विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज XP या विस्टा, या फिर लेट्स सपोज सर्वर है, या डोमेन कंट्रोलर है, या एक्सचेंज सर्वर है, उन सब की आप कलेक्शन बना सकते हैं। और अब बेस्ड ऑन दैट कलेक्शन आप सॉफ्टवेयर उन पर डिप्लॉय कर सकते हैं, किसी और तरह की मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हमारे पास मतलब यूज़र डिवाइसेस तो हो गए, इसके नीचे यूज़र कलेक्शन और डिवाइस कलेक्शन भी है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ यूज़र कलेक्शन होती है और कुछ जो है वो हमारे पास डिवाइस कलेक्शन होती हैं। तो इन कलेक्शन के अंदर क्या है, जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, जैसे ऑल सिस्टम लेट्स सपोज, तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर इसकी इस कलेक्शन के अंदर हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। मतलब मैं डिवाइस कलेक्शन पर क्लिक किया, इस ग्रुप पर क्लिक किया, ऑल सिस्टम पर क्लिक किया, तो हमें हमारे सारे कंप्यूटर नज़र आ गए। तो इसी तरह हम अपने एनवायरनमेंट में यूनिफॉर्मिटी पैदा कर सकते हैं, यूनिफॉर्म कर सकते हैं अपने सिस्टम को, अपने एनवायरनमेंट को, और उसके बेस पर हम उसको जो है यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी, उसके बेस पर हम उसको सॉफ्टवेयर वगैरह या इंस्टॉल पैच वगैरह जो भी हमने करना हो वो कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आता हूँ डिवाइस कलेक्शन पर, राइट क्लिक करता हूँ और एक न्यू कलेक्शन बनाता हूँ, क्रिएट डिवाइस कलेक्शन। इसी पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ विंडोज 7 के जो कंप्यूटर हैं उसके लिए मैं कलेक्शन बना रहा हूँ। आप यहाँ पे डिपार्टमेंट के बेस पे कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जहाँ पे डिप्लॉय करना है सॉफ्टवेयर के बेस पे कर सकते हैं, यानी कि IT के कंप्यूटर पर आपने MS Office नहीं इंस्टॉल करना फॉर एग्जांपल, तो आप ये कलेक्शन बना सकते हैं। इस तरह बहुत सारी मतलब बना सकते हैं। ब्राउज करता हूँ और ऑल सिस्टम पे क्लिक करता हूँ, या ऑल अन सिस्टम पे आप क्लिक कीजिए, ऑल सिस्टम पे क्लिक कीजिए। आगे हम इसको डिफाइन करेंगे इस क्यूरी को, और वो क्लिक करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे मैं रूल क्रिएट करूँगा। मैंने आपको बताया था कि हम मैक्सिमम दो तरीके से कर सकते हैं, एक ये कि हम डायरेक्ट रूल बनाएं, ये स्टैटिक रूल होता है, इसमें अपने कंप्यूटर को खुद ऐड करना होता है, और जब भी आपके एनवायरनमेंट में नया कंप्यूटर आता है तो आपने इसमें उनको ऐड करना होता है। क्यूरी बेस क्या है कि ये आपके एनवायरनमेंट को क्यूरी करता है, और सारे जो जो कंप्यूटर इस क्यूरी के साथ मैच करते हैं तो वो इस कलेक्शन में ऐड हो जाता है, और फ्यूचर में भी आप ऑटोमेटिकली इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, जबकि डायरेक्ट रूल में आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा, खुद ऐड करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट रूल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे लेट्स सपोज बाय डिफॉल्ट जो क्यूरी है, अच्छा सिस्टम रिसोर्सेज पे क्रिएट करते हैं, अननोन कंप्यूटर पे क्रिएट कर सकते हैं क्यूरी आप। अच्छा, इसके अलावा जो है काफ़ी तरीके से आप जो है कंप्यूटर क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं, मतलब क्या मैक एड्रेस हो, मैक एड्रेस के बेस के ऊपर, नेट बायोस नेम हो उसके बेस के ऊपर, इवन प्रोसेसर टाइप, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पर भी आप जो है इस कलेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ ही
आप देख सकते हैं एक्सक्लूड रिसोर्सेज दैट डू नॉट हैव द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लाइन इंस्टॉल, मतलब अगर एजेंट इंस्टॉल ना हो तो आप उनको भी कनेक्शन मिला सकते हैं। अच्छा, और इसीलिए अगर आपने क्यूरी करना है पूरे अपने डेटाबेस को तो पर्सन का साइन है, मैं पर्सन का साइन देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो मेरे जितनी मेरे एनवायरनमेंट में कंप्यूटर हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तीन कंप्यूटर ये आ गए मेरे पास। अभी लेट्स सपोज मुझे पता है कि कौन सा कंप्यूटर पे विंडोज 7 वगैरह इंस्टॉल है, तो ये कीजिए डायरेक्ट डायरेक्ट क्यूरी है, मैनुअल क्यूरी है, तो क्यूरी है तो इसको मैं इस कंप्यूटर को सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ और साथ ही क्लोज करता हूँ और रूल हमारा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट और फिनिश। इस तरह हमने एक डायरेक्ट क्रिएट किया है, डायरेक्ट क्यूरी, डायरेक्ट रूल क्रिएट किया है, डायरेक्ट रूल कलेक्शन। अगर मैं फिलहाल ये क्रिएट हो रहा है, रेस्ट में डबल क्लिक करूँ तो मेरे पास विंडोज 7 का कंप्यूटर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अच्छा आ चुका है। जैसे ही इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास विंडोज 7 के कंप्यूटर, इस तरह आपके एनवायरनमेंट में जितने भी कंप्यूटर हैं वो यहाँ पर लिस्ट होंगे। अच्छा, ये तो हमने ब्रैक मेंबरशिप क्रिएट कर ली, अब आता हूँ इसको मैनेज करते हैं, इस कलेक्शन को मैनेज करते हैं और इसका फ़ायदा देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। तो लेट्स सपोज मैं आपके कलेक्शन पर राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैं लेट्स सपोज अगर इस कंटेनर में काफ़ी सारे सिस्टम हो तो मैंने कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना हो तो मैं सॉफ्टवेयर यहाँ पर डिप्लॉय कर सकता हूँ। इसके अलावा जो है अगर आपने क्लाइंट वगैरह को इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ पर उसके क्लाइंट को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि मुख्तलिफ तरीके से आप जो है वो इस कलेक्शन को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे थे जो मैंने बयान किए। इस तरह आप यूज़र के कलेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं आप यूज़र भी कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ऑल यूज़र पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितने भी यूज़र हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर अगर लेट्स सपोज आपने म्यूजिक कलेक्शन पर क्लिक करता हूँ, लेट्स सपोज आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डिप्लॉय करना है, कुछ करना हो तो आप वो इसके साथ भी कर सकते हैं। मतलब यूज़र किस पर खास यूज़र पर आपने कुछ खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो आप जो है वो आप इस कलेक्शन को यूज़ कर सकते हैं।